मेरा वोट इम्तियाज जलील साहब, हमारा वोट इम्तियाज जलील साहब को, हमारा वोट डेवलपमेंट को। देखिए हम लोग तो ज़्यादा करके पढ़े लिखे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। जैसा पिछले 15 साल हम लोगों ने देखे थे कि जो माजी खासदार थे खैरे साहब, तो उनके कार्यकाल में जो भी काम हुआ तो पूरी जनता को मालूम है कि क्या काम हुए, कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या चीज़ हुई। और इम्तियाज जलील साहब के कार्यकाल 5 साल का था, मगर 5 साल में से 2 साल उनका जो तो कोविड के उसमें लॉस हो गया, फिर भी 3 साल में उन्होंने जो काम करे तो वो 15 साल से जो खैरे साहब के पीरियड में काम रुका हुआ था उससे ज़्यादा काम उन्होंने कर चुके। और हम लोगों का तो ज़्यादातर जो है तो एजुकेटेड खासदार चाहिए, इसी तरफ रुझान है। और हम लोगों को जो है तो डेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत है, औरंगाबाद को हमको सख्त ज़रूरत है और डेवलपमेंट की। और हम लोग ज़्यादातर चाह रहे हैं कि यहाँ पे औरंगाबाद की तरफ इंडस्ट्रीज आए, जो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए रोज़गार होना ज़रूरी है। क्योंकि अभी ज़्यादा करके जैसा सिविल इंजीनियर हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, ये बच्चों को औरंगाबाद छोड़ के दूसरी तरफ जाना पड़ता। हाँ, और हमने इम्तियाज़ जलील साहब का वर्किंग देखे है, उन्होंने ज़्यादा करके इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान देते और ज़्यादा करके रोज़गार कैसा पैदा करना ये चीज़ पे ध्यान देते। अभी जैसा सिविल इंजीनियर में सुशिक्षित बेरोज़गार अभियंता बोल के कोटा रहता है, तो हम लोगों ने उस चीज़ पे भी देखे है इम्तियाज़ जलील साहब के ज़्यादा से ज़्यादा निधि के काम उन्होंने सुशिक्षित बेरोज़गार अभियंता को देते हैं, और सोसाइटीज़ फेडरेशन रहती है अलग अलग उनको देते हैं, तो वो निधि से जो बच्चों को सपोर्ट होता है वो उनके पैरों पे स्टैंड होते हैं। तो सिविल इंजीनियर को इम्तियाज़ जलील साहब से तो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अभी जैसा स्कोडा कंपनी हो गई, यहाँ पे एक कंपनी चल रही है, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो रोज़गार निकलता है तो इम्तियाज़ जलील साहब के लेटर पर और बच्चों को वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है। और वो ट्रेनिंग के बेस पे मैंने देखा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर जो बच्चे हैं अच्छी अच्छी पोस्ट पे आज पुणे में, बेंगलोर में आईटी सेक्टर में लग चुके हैं। और जैसा कि आईटी सेक्टर का मैं कह रहा हूँ, तो आईटी सेक्टर का तो एक बहुत बड़ा हब इम्तियाज़ जलील साहब ने खुद चालू किया है उनके बच्चे का, और उसमें भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चों को रोज़गार मिला है। तो अभी मैं तो आपको खुला बताता हूँ कि मेरा वोट और मेरी फैमिली का वोट और मेरे मोहल्ले का वोट इम्तियाज़ जलील साहब को।